लाइट आने लगी, वहाँ लाइक सनराइज होने लगा। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने मस्कारा और टेंट लगाया। क्लास नहीं आपको ये, सो मेरे साथ क्या हो गया, जिम गई थी बट जिम बंद था इसीलिए मुझे अभी जाना ज़रूरी है। Assalamualaikum everyone, this is Seyed Hubza and welcome to my another vlog. Hope you guys are doing well, I'm also good. Alhamdulillah, एक नए दिन से एक नया vlog start करते हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, देखो और बाहर रोशनी भी नहीं हुई है अभी, वेट यहाँ से देखी नहीं है, दिखाती हूँ वहाँ से आप लोगों को जाके। ये देखिए थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है बाहर और ठंड है बहुत ज़्यादा बाहर। तो असल में मैं उठी हुई थी 5:30 की और उठ के नमाज पढ़ी और फिर सुबह मैंने जिम के कपड़े लगाए और मैं आ गई किचन में वीडियो शूट करने के लिए। तो टाइटल में देखी तो आप लोगों को पता चल गया कि आज मेरा पहला दिन है कॉलेज का और मैं नर्वस हूँ, काफ़ी ज़्यादा था, इतनी सी नर्वस हूँ मैं, बट हाँ जाना तो है। तो जिम मैं इतनी सुबह सुबह इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि शाम के टाइम लड़कों का टाइम होता है और मैं शायद आई गेस 4 बजे वापस आऊँगी कॉलेज से, तो तब तक लेट हो जाएगा। देखूँगी आज क्या सीन रहेगा, अगर शाम के टाइम टाइम मिला तो फिर शाम के टाइम जिम जाऊँगी, नहीं तो फिर यही टाइम रहेगा सुबह का हमेशा। और मुझे अभी आई हुई है बहुत ज़्यादा नींद, अभी मैं थोड़ा वेट करूँ, बाहर रोशनी होगी मैं निकलूँगी जिम के लिए, तब तक हम लोग अपना प्री वर्कआउट ले लेते हैं और फिर जिम के लिए जाते हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है ना बाहर, मुझे मन ही नहीं कर रहा था सुबह बिस्तर में से निकलने का, बट मैंने कहा नहीं, यू हैव टू डू दिस, बिस्तर में से बाहर निकलो। कॉफ़ी बनाते हैं और उसके साथ पानी भर के पी लेते हैं क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया अभी। बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी और मैंने भी कॉफ़ी पी लिया, अभी पीनट बटर खा के हम लोग निकलते हैं जिम के लिए। रोशनी हो गई बाहर स्टार्ट और लाइट आने लगी बाहर, लाइक सनराइज होने लगा और मुझे लगी ठंड। और अभी हम लोग जल्दी से निकलते क्योंकि मुझे जिम में हो जाएगा लेट, मुझे 2 घंटे होने ही होने चाहिए जिम में मज़े से एक्सरसाइज करने के, तो निकलते हैं जल्दी से। और हमारी लाम पैरी को हम करते हैं स्टार्ट। अभी तो विंटर्स प्रॉपरली नहीं आए तो अभी मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ विंटर्स। विंटर्स में वैसे क्यों करने, विंटर्स में कॉलेज बंद हो जाएगा, विंटर्स में हम लोग जाएंगे 12 बजे जिम से करेंगे जा। मेरे साथ स्कैम हो गया, जिम ही बंद है मुझे, लेकिन उन्होंने बोला था 6:30 बजे जिम खुल जाता है, तो इसीलिए मैं आई थी बंद नहीं। मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं आज इतने जोश में उठी, इतने जोश में अभी मैं वर्कआउट करने के लिए और गई और जिम में बंद था। अब मैं जिम के कपड़ों में तो हूँ ही, अब मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ ना अपना ये टाइम, तो बेहतर है कि मैं कार्डियो ही कर लेती हूँ बाहर जाके, मैं कुछ बर्पीज और ये कर लेती हूँ, स्किपिंग कर लेती हूँ। स्किपिंग करने से ऐसा होगा ना कि मेरा स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा, तो स्किपिंग करते हैं और कुछ बर्पीज करते हैं। मैं आप लोगों को चीज़ एक दिखाती हूँ, लाइक लिटरली जहाँ तक मेरे को हिजाब होता है ना, देखो यहाँ पे और यहाँ पे कलर अलग हो गया है मेरा, क्योंकि यहाँ पे टैन हुआ है, यहाँ तक हिजाब होता है, तो यहाँ पे टैन नहीं है। मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैन हुआ है इन दिनों, तो मैंने वो अपना ये कर दिया था, क्या इसको बोलते हैं, थोड़ा सा कार्डियो किया था, तब से मैं बैठी हुई थी स्क्रॉल कर रही थी फोन, सीधे कलर डिफरेंस स्क्रॉल कर रही, फिर कॉलेज के लिए होते हैं तैयार और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। मैंने सीरम यूज़ कर लिया है, अब हम अपने बाकी का प्रोसेस करते हैं। इसे तो मैं ज़्यादातर फाउंडेशन यूज़ करती नहीं हूँ, बट मैंने जब भी फाउंडेशन यूज़ की है अपनी स्किन को फ्लॉलेस बनाने के लिए, वो हमेशा आया तो केकी पैची या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है मेरी स्किन, और ऐसा लगता था जैसे मैंने अपनी स्किन पर यू नो वो एक एक्स्ट्रा सी लेयर लगा के रखी हुई है। बट ऑल थैंक्स टू मामा अर्थ फॉर लॉन्चिंग देयर ग्लो सीरम फाउंडेशन, और आज मैं यही फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। हेयर आई एम यूजिंग दिस शेड सैंड ग्लो, ये मेरी शेड है सैंड ग्लो। So we will quickly apply this foundation और फिर उसके बाद बाकी का काम करते हैं because हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ये कुछ दिखने में ऐसी है, अंदर से बड़ी प्यारी सी इसकी पैकेजिंग है। लेट्स क्विकली अप्लाई द फाउंडेशन। आई यूजली अप्लाई माई फाउंडेशन विद माई हैंड्स, सो या मैंने अपने फेस पे
फाउंडेशन अप्लाई कर दिया है और मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, बहुत ज्यादा इजीली ब्लेंड हो गई है ये। एंड दिस फाउंडेशन हैज यूनिक सीरम लाइक फॉर्मुलेशन विच स्टेज अप टू 12 आवर्स, 12 घंटे आपके चेहरे से उतरेगा नहीं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और बिल्कुल मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने फाउंडेशन यूज़ किया। यूजली जब आप फाउंडेशन यूज़ करते हो ना, वो एक लगता है कि एक्स्ट्रा सी लेयर लगी और छिड़ सी मचती है, बट इसको लगाने के बाद नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली ब्लेंड भी होगी मेरे चेहरे पे। मैंने जब भी फाउंडेशन यूज़ की है मुझे हमेशा पिंपल्स हुए हैं, लेकिन इसमें मामा अर्थ की इस फाउंडेशन में आपको विटामिन सी और टर्मरिक मिल जाएगा जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस फाउंडेशन इज मेड सेफ सर्टिफाइड, इसका मतलब आप इसको हर रोज यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। ऑल्सो वेन एवर यू परचेज फ्रॉम मामा अर्थ दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री जो कि वो प्लांट कर देते हैं, एंड यू कैन इजिली ट्रैक योर ट्री थ्रू your order, and by 2025 Mama Earth is planning to plant more than 1 million trees जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। Also you can purchase Mama Earth के products from Amazon, Nykaa and Flipkart। Also आप लोगों के जो नजदीकी stores हैं Mama Earth के products वहां पे भी available है। और हाँ, अगर आप अगली बार कहीं पे भी Mama Earth का store देखें तो मुझे comment करके जरूर बताना। Also use my coupon code UBZA2023 to get extra 20% discount। लेकिन ये जो coupon code है सिर्फ इनकी अपनी official website और इनकी official application पे applicable है, और इस प्रोडक्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखूंगा, आप लोग जाके खरीद सकते हैं। तो आई हैव यूज द फाउंडेशन, अभी कंसीलर यूज करेंगे, थोड़ा सा मस्कारा और फिर हम लोग यूनिफॉर्म लगा के निकलते हैं जल्दी से। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने मस्कारा और टेंट लगाया, दैट्स इट। और मुझे अपना यूनिफॉर्म में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, बट क्या ही कर सकती हूँ। एज यू नो आई एम ऑन डाइटिंग, सो आई हैव क्विकली पैक माई सैलेड जो कि मैंने अभी अभी जस्ट बनाया, चिकन सैलेड। अभी मैं जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि मुझे हो जाएगा लेट, तो चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ उसके साथ, नर्वस भी हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है पहले दिन कॉलेज का। उधर से इधर तक पहुँच गई, फिर वीडियो में भी बोल देती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मैं निकल रही हूँ और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलो देखते हैं पहला दिन कॉलेज का कैसा होता है। निकल रही हूँ क्योंकि क्लास नहीं है अब कोई, सो गो बैक टू होम, हेड बैक टू होम। कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई है यहाँ पे, सुंदर सी बटरफ्लाई। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम कॉलेज, और हाँ कॉलेज का ज़्यादा मैंने नहीं दिखाया। एक तो पहला दिन था, मैं शर्म नहीं आ रही थी, इस जस्ट क्लास का क्या ही दिखाती भाई, सो क्लास में फ़ोन नहीं निकाल सकती मैं, फ्रंट बेंच पर बैठती हूँ, क्लास में फ़ोन नहीं निकाल सकती हूँ। तो अभी तो पहला ही दिन था, आगे और भी टाइम आएगा तभी दिखाऊंगी आप लोगों को कॉलेज, अभी बहुत टाइम है कॉलेज दिखाने के लिए। और अभी हम चलते हैं अंदर, और मैंने लंच नहीं खाया आज, तो चलते हैं जल्दी से अंदर। तो अभी मैं निकलती हूँ जिम के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह मैं जिम गई बट जिम बंद था तो नहीं कर पाई थी सुबह, तो अभी निकलते हैं हम लोग जिम के लिए जल्दी से, और जिम में मिस नहीं कर सकती हूँ, तो जल्दी से निकलते हैं जिम के लिए। फिर जिम से आने के बाद का मैं आपको दिखाती हूँ, फिर दिखाती हूँ जिम का ही नहीं, जिम से आने के बाद का, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर लड़के भी होंगे ना, तो मुझे शर्म आएगी व्लॉगिंग करने में, मजाक कर रही हूँ। तो चलती हूँ अभी मैं फ़िलहाल जल्दी से जिम के लिए, और जिम से वापस आके आप लोगों से मिलती हूँ। लिटरली मैं जिम से आने के बाद 2 घंटे सोई हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट नहीं किया था, मैं दौड़ी रही हूँ सुबह से। और आज था मेरा पहला दिन कॉलेज का जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया आज का दिन मेरा कॉलेज का। और मुझे काफ़ी लोग मिले भी कॉलेज में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उन सब लोगों से मिल के। तो अभी काफ़ी लेट हो गया और हम इस ब्लॉग को भी करेंगे एंड। और कॉलेज मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्लास थी, क्लास में कैसे फ़ोन यूज़ करती है वो। अभी तो बहुत टाइम है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी 3 साल हैं, तो यस ऐसे ऐसे दिखा दूँगी। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला शाउट आउट जाता है फयाज अहमद 4627 को, जिन्हें लिखा है दीदी और माई फेवरेट एवर एंड डोंट गेट नेगेटिव नेगेटिव पीपल, यू आर द बेस्ट वन यूट्यूबर, थैंक यू सो मच। दूसरा शाउट आउट जाता है नौशीन गोजरी को, जिन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम हुफ़्ज़ा दी, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू कीप ग्रोइंग, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने प्यार प्यार कमेंट्स करने के। और अगर आप लोग भी शाउट आउट चाहिए तो मेरे इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भी शाउट आउट मिलेगा। तो इसी के साथ साथ हम इस ब्लॉग को भी करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।